इसका। आज एक विक्टिम ने थाना हजरतगंज पर आकर कंप्लेन किया कि कतिपय व्यक्ति उनसे सेक्रेटेरिएट में नियुक्ति कराने के नाम पर उनसे कुछ रुपया उन्होंने मांगा है उनसे, और उनको नियुक्ति पत्र देने के लिए कई बार आने को कहा है किंतु बार बार वे मुकर जाते हैं। जैसे ही यह सूचना थाना हजरतगंज की प्राप्त हुई, एसीपी हजरतगंज श्री अभय कुमार मिश्रा एवं प्रभारी निरीक्षक हजरतगंज श्री अंजनी पांडे साहब के निर्देशन में के नेतृत्व में एक टीम का गठन हुआ और इन्होंने उस सूचना के आधार पर एक व्यक्ति जिसने कि उनको आने को यहाँ कहा था उसको तुरंत हिरासत में लिया, जिसके कब्जे से कतिपय विभागों के कूट रचित एवं फर्जी दस्तावेज प्राप्त हुए जो उस व्यक्ति को एवं इसी तरह के कुछ अन्य व्यक्तियों को सर्विस देने के नाम पर जारी किए गए थे। यह संबंधित जो प्रपत्र प्राप्त हुए हैं और इसमें जो सचिवालय का फर्जी एवं कूट रचित प्रवेश पत्र भी है, ये प्रथम दृष्टया फर्जी प्रतीत हो रहा था। अभियुक्त से को हिरासत में लेकर विशद पूछताछ की गई, जिससे यह ज्ञात हुआ कि यह एक गैंग है जो विभिन्न व्यक्तियों को अपने झांसे में लेकर इस तरह की नियुक्ति पत्र देने का उनको प्रलोभन देता है। 1,00,000 रुपया अभी इस वादी मुकदमा से इसने इसी सर्विस देने के नाम पर प्राप्त किया था। 2,00,000 रुपये देने की बात हुई थी। अभी हम लोग इस दिशा में और भी हैं क्योंकि ये तो पहला है, ऐसे कितने व्यक्तियों को इसने ठगा है, इन सब के बारे में विस्तार से पूछताछ की जाएगी और हमारी टीम इसमें बहुत गंभीरता और तत्परता से लगी हुई है। निश्चित तौर पर अभी आज तो आज ही की बात है, हमने अभी इसको वर्कआउट किया है। हम टीम के हर मेम्बर को जो है कि नैब करेंगे और उनके विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। देखिए, जो भी इस टीम का सदस्य है वो निश्चित तौर पे वो अभियुक्त है। मास्टरमाइंड ये तो पूरा गैंग एक साथ में लिखकर काम कर रहा है। अभी तक प्रारंभिक तौर पे 3 लोगों के नाम आए हैं, लेकिन तीन अन्य लोगों के नाम आए हैं और ये जितने भी कहाँ से इसने बनाया, किस तरह के उपकरण को यूज किया, ये सारी चीज़ें अभी इसमें विवेचना में आएगी और पुनः आपको जो है कि इसके बारे में अवगत कराया जाएगा। अन्य डिपार्टमेंट में भी अभी ये विवेचना का विषय है, चूँकि विवेचना में कुछ चीज़ें लेकिन ये इन्हीं के गैंग के सदस्य हैं। ठीक है।